Hello friends, I Dr. Vivek Kumar Swastav welcome all of you in this video lecture course. So, देखिए आज हम complex analysis का June 2016 का part C का एक question solve करने वाले हैं. ये question देखिए basically जैसे मैंने बताया था कुछ theorems ऐसे हैं जिसको आपको एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा. जैसे है square dilemma, Liouville's theorem, open mapping theorem. उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा. इन सारे थ्योरम्स को अगर आपने ध्यान में रख लिया तो पार्ट सी की एक से दो प्रॉब्लम इन चार से पांच थ्योरम से जरूर मिलने वाले हैं आपको, राइट. तो देखिए ये क्वेश्चन भी लिविलीज थ्योरम पे पूछा हुआ है और क्वेश्चन को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम कैसे पता करेंगे कि इसमें लिविलीज थ्योरम लगेगा या कोई और थ्योरम लगेगा. चलिए क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ने में ही आपको पता चल जाएगा कहाँ कौन सा थ्योरम लगे. देखिए क्वेश्चन क्या है. F from C to C, B an entire function. ये function क्या है? Complex function to complex function. ये function दिया है F. C to C. Complex plane में क्या है? Entire function है. यानी analytic है. Suppose that F is equal to U plus IV, where U, V are real and imaginary part of F. एकदम ध्यान से पढ़िए. F क्या है? U plus IV कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दिया है U एंड V. देन F इज कांस्टेंट. आपको देखने से ही पता चल गया यहाँ एक इंटायर फंक्शन की बात किया और कांस्टेंट होने की बात किया उस फंक्शन के. और ये कहाँ पे आता है? नेचुरल सी बात है ये लिविलीज थ्योरम से आता है. अगर अभी भी कन्फर्मेशन ना हो तो आगे चल जाइए. बाउंडेड किस में आता है? लिविलीज थ्योरम में ही आता है. तो आपको पहले क्वेश्चन देख के तुरंत पहचानना होगा कि किस कौन सा थ्योरम अगर लग सकता है उसमें, तो सबसे पहले डायरेक्टली उसका यूज करना सीखिए. लिविलीज थ्योरम है क्या है? फॉर ऑल जेड इन द इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन. एफ जेड क्या है? एनालिटिक है. अगर एफ जेड बाउंडेड है तो फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट होगा. अब हमें ये दोनों चीजें दिया है कि एनालिटिक हो है और वो फंक्शन कांस्टेंट हो जाए, तो उसके लिए एक कंडीशन और क्या चाहिए? कब वो कांस्टेंट होगा? जब वो फंक्शन बाउंडेड हो. नेचुरल सी बात है. तो देखिए जो स्टेटमेंट दिया है, पहला दिया है यू एक्स वाई मीन्स रियल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन इज बाउंडेड, यही कह रहा है ना. सेकंड कह रहा है बी इमेजिनरी पार्ट यू एक्स वाई इज बाउंडेड मीन्स इमेजिनरी पार्ट बाउंडेड की बात कर रहा है. सी क्या कह रहा है आपसे? सी कह रहा है यू एक्स वाई प्लस वी एक्स वाई, मतलब वो पूरे फंक्शन की बात कर रहा है. यू एक्स वाई और वी एक्स वाई मतलब रियल और इमेजिनरी का सम इज बाउंडेड होगा. फोर्थ क्या कह रहा है? यू स्क्वायर एक्स वाई प्लस वी स्क्वायर एक्स वाई इज बाउंडेड. देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है. अब अगर हम चलें स्टेटमेंट पे, तो एनालिटिक और बाउंडेड हो तभी वो कांस्टेंट होगा. यहाँ क्या कह रहा है? इंटायर है, यानी एनालिटिक की बात पहले ही कर दिया. और कह रहा है कि कांस्टेंट भी है. इफ कब? जब पहले इसी स्टेटमेंट को ले लेते हैं. U प्लस आई वी राइट, ये क्या हो? आपका बाउंडेड हो. U प्लस आई वी बाउंडेड हो यानी U रियल पार्ट भी बाउंडेड हो, इमेजिनरी पार्ट भी हो, यानी कि दोनों का सम भी बाउंडेड हो. अब देखिए इसमें तीन ऑप्शन तुरंत करेक्ट हो गए. U प्लस आई वी मतलब अगर ये फंक्शन देखिए बाउंडेड है, इसका मतलब क्या है? इसका रियल पार्ट भी बाउंडेड होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट बाउंडेड होना, तभी तो ये फंक्शन बाउंडेड होगा. और बाउंडेड होगा और इंटायर होगा तभी वो कांस्टेंट होगा. सीधी सीधी बात है. यानी इस फंक्शन को कांस्टेंट होने के लिए ये फंक्शन एफ बाउंडेड होना चाहिए, और बाउंडेड तभी होगा जब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बाउंडेड हो. और इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट बाउंडेड होने का मतलब क्या है? दोनों का सम भी बाउंडेड होगा. सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर बी आर तुरंत करेक्ट हो जाएगा, राइट, इसी थ्योरम के स्टेटमेंट से. अब आते हैं फोर्थ में, स्क्वायर की बात किया है. तो देखिए इसका स्क्वायर क्या होगा? यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बाउंडेड होने की बात किया है, यानी यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड लेस देन एम. इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिल जाएगा टू यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस टू वी डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो. और इसको ही वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे टू यू डेल यू बाई डेल वाई प्लस टू वी
डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों को जरा आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने पर आपको तुरंत मिल जाएगा ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई करेगा जब डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू जीरो हो और डेल वी बाई डेल वाई के बराबर हो, राइट। और अच्छा होगा भी क्यों, क्योंकि ये पहले ही दे दिया फंक्शन क्या है, इंटायर है, राइट, यानी एनालिटिक है, यानी कासी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसको भी देख लीजिए, डेल यू बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल वाई ये दोनों ही जीरो के बराबर होंगे। आप करके भी देख सकते हैं कासी रीमान इक्वेशन क्या कहता है, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। आप दोनों को बराबर करके देख भी लीजिए और सॉल्व करेंगे कासी रीमान इक्वेशन को अप्लाई करके, तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू जीरो, डेल यू, अच्छा अगर डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू जीरो आती है इसका मतलब क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू की वैल्यू कॉन्स्टेंट आ गई, वी की वैल्यू भी आप जी डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो यानी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने पहले ही बाउंडेड ले लिया और देखा क्या क्या आया, वो फंक्शन दोनों यू और वी दोनों क्या आ गए, कॉन्स्टेंट आ गए, यानी दोनों का समेशन भी कॉन्स्टेंट होगा। तो फंक्शन क्या है, यू प्लस आई वी, अगर ये कॉन्स्टेंट है ये भी कॉन्स्टेंट, दोनों का समेशन भी कॉन्स्टेंट होगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान आया हुआ था, यानी डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, यहाँ मैंने लास्ट में लिखा हुआ है ए बी सी डी, फोर ऑप्शंस आर करेक्ट। तो आपको क्वेश्चन को देखना है, ये ध्यान देना है कि कौन सा थ्योरम कौन सा लेमा इसमें लगने वाला है। अगर आपने सही से रिकॉग्नाइज कर लिया, अब मैं बता दूं आपको, मैंने चार पांच थ्योरम जो पढ़ाए हैं उन सारे थ्योरम्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। और अगर उन थ्योरम्स को, जैसे मैं आपको बता दूं ये लेक्चर नंबर आपका था फोर, देखिए लेक्चर नंबर फोर में मैंने कासी इंटीग्रल फार्मूला, लिवलीज थ्योरम, रोची थ्योरम, इसके पहले आपका देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा, एल हॉस्पिटल रूल लेक्चर नंबर थ्री में, अगर इन सब थ्योरम्स को आपने ध्यान में रख लिया तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आया, और क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, अगर आपने पढ़ लिया और रिकॉग्नाइज कर लिया कि कौन सा थ्योरम, तो प्रॉब्लम को बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, राइट। और इसके साथ साथ आपको लगता है कि कुछ और भी प्रॉब्लम्स की ज़रूरत है उसे कमेंट करिए, मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा एग्जाम से पहले अपलोड करने के लिए, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।